हेलो स्टूडेंट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का वन शॉर्ट सीरीज। वन शॉर्ट सीरीज में क्या होगा कि पूरा कंप्लीट ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन हम लोग कंप्लीट करेंगे। क्लियर? तो देखो आप लोगों को करना क्या है, मोबाइल उठाइए, ईयरफोन लगाइए और बस इस वीडियो को कंप्लीट एक बार देख लीजिए। ठीक है, एक बार देख लीजिए, आपको जो भी इससे रिलेटेड कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा वो इस जो भी अभी चलने वाला है उससे बाहर नहीं जाने वाला। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, ईयरफोन लगाइए और इसको एकदम एक बार में कंप्लीट देख लीजिए। एक बार में कंप्लीट करिएगा कि देख लें, ठीक है? और मैं चाहूँगा कि ज़्यादा इसको लंबा ना खींचे, है ना, एक घंटे से पहले ख़त्म करेंगे। ठीक है, अगर किसी को चाहिए कि थोड़ा और फास्ट चलना है तो 2x में करके देख लेना इसको। ठीक है, चलिए तो देखो फ्लो बता देता हूँ क्या क्या रहेगा हम ना अपना। पहले तो रहेगा आपका इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन देंगे पूरा ऑर्थोग्राफी क्या, इनके लिए क्या क्या कंडीशन होना चाहिए, प्रोजेक्शन के बारे में थोड़ा सा समझाया जाएगा। ठीक है, उसके बाद सिस्टम ऑफ प्रोजेक्शन, सिस्टम ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक, सिस्टम ऑफ प्रोजेक्शन अगर पूरा कंप्लीट हो जाएगा, क्लियर, तो उसमें एक एक टॉपिक को अच्छे से समझाया जाएगा, फर्स्ट एंगल, थर्ड एंगल, आइसोमेट्रिक के भी कुछ समझेंगे हम लोग। ठीक है, और उसके बाद रहेगा प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट, प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट, उसके बाद प्रोजेक्शन ऑफ लाइन एंड प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड। क्लियर, तो अगर ये इतना कर लिए तो ये तो ऑर्थोग्राफिक है ही पूरा कंप्लीट, इसके आगे और है क्या? अगर ये कर लिए पॉइंट, लाइन और सॉलिड कर लिए तो पूरा ऑर्थोग्राफिक कंप्लीट, तो हमारा फ्लो इस तरीके से आगे बढ़ने वाला है। क्लियर, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पहले स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। तो देखिए इंट्रोडक्शन में ऑर्थोग्राफिक से समझते हैं। तो देखो ऑर्थो का मतलब होता है क्या, ऑर्थो का मतलब होता है एट राइट एंगल, क्या बोलते हैं इसको, एट राइट एंगल, फास्ट चलेंगे, एट राइट एंगल। ग्राफिक्स का मतलब होता है डिज़ाइन, ठीक है ना, कोई भी डिज़ाइन अगर कर रहे हो, ठीक है, और डिज़ाइन दो तरीके से हम लोग कर लेते हैं, आपको पता है, एक ड्राइंग शीट पे और एक कंप्यूटर वाले सिस्टम पे। अगर ड्राइंग शीट पे करते हैं तो उसको क्या बोलते हो आप लोग, ड्राइंग बोलते हो, और अगर वही सिस्टम पे बनता है तो क्या बोलते हैं, ग्राफिक्स। ठीक है, प्रोजेक्शन क्या होता है, प्रोजेक्शन ये होता है कि अगर कोई भी एक 3D बॉडी है, ठीक है ना, कोई भी एक 3D बॉडी है, कोई भी एक बॉडी मान लो, कोई भी एक बॉडी है, ठीक, इसका प्रोजेक्शन अगर कहीं भी कोई भी स्क्रीन पे ले लेते हो, ठीक है ना, मान लीजिए ये आपका स्क्रीन है, ठीक, ये स्क्रीन है, और प्रोजेक्शन लोगे कैसे कि यहाँ पे एक क्या होगा, सोर्स ऑफ लाइट होगा, या फिर कोई भी इसको बोल सकते हो ऑब्जर्वर होगा, यहाँ पे क्या है आपका ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर, ठीक है ना, ऑब्जर्वर क्या करता है कि बहुत सारे लाइट छोड़ता है इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है ना, बहुत सारा लाइट आएगा कहाँ पे, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर। ठीक है, यह है आपका ऑब्जेक्ट, क्लियर, और इस लाइट को बोलते हैं हम लोग प्रोजेक्टर्स, क्या बोलेंगे, प्रोजेक्टर्स बोलेंगे, इस लाइट को क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टर्स, या फिर क्या बोल सकते हो, रे ऑफ लाइट बोलते हैं, रे ऑफ साइट बोलते हैं, तीन नाम है इसका, रे ऑफ साइट बोल लो, रे ऑफ लाइट बोल लो, या फिर प्रोजेक्टर्स बोलते हैं। ठीक है, अगर ये लाइट इसके ऊपर पड़ेगा तो इसका एक इमेज मिलेगा आपको, ठीक है ना, इसका जाके इमेज कहाँ पे मिलेगा, स्क्रीन के ऊपर, इसका जो इमेज मिलेगा कहाँ पे मिलेगा आपको, स्क्रीन के ऊपर, तो कुछ आपको ऐसा दिखा इस तरीके से, है ना, इस स्क्रीन पे आपको इसका इमेज मिल गया, इसको बोलते हैं स्क्रीन, ठीक है ना, या फिर बोलते हैं प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन, क्या बोलेंगे, प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक है ना, या फिर स्क्रीन बोल लो, या फिर क्या बोलते हैं इसको, प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन। ठीक, तो इसी पूरे सिस्टम को हम लोग बोलते हैं प्रोजेक्शन, क्या बोलते हैं इसको, प्रोजेक्शन बोलेंगे, ठीक है ना, इस पूरे सिस्टम को क्या बोलेंगे, प्रोजेक्शन। हुआ क्या, हुआ क्या कि एक ऑब्जेक्ट का अगर कोई भी इमेज कहाँ ले लेते हो, स्क्रीन के ऊपर, तो उसी को बोलते हैं हम लोग प्रोजेक्शन बोलते हैं। क्लियर हो गया ये वो पॉइंट, ठीक है। अब देखो ये जो स्क्रीन है वो कुछ भी हो सकता है, या तो वर्टिकल प्लेन हो सकता है, या फिर हॉरिजॉन्टल प्लेन हो सकता है, या फिर प्रोफाइल प्लेन हो सकता है, कोई भी प्लेन हो सकता है ये आपका जो स्क्रीन है, तीनों में से कोई भी प्लेन हो सकता है। क्लियर। अब देखो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल प्रोफाइल क्या होता है, एकदम सिंपल अपना रेफरेंस रखेंगे। हॉरिजॉन्टल क्या, पहले समझो, वर्टिकल समझते हैं,
एक कोई भी आप ऐसे खड़े हो गए, ठीक, सामने जो प्लेन दिख रहा है, सामने आपके जो प्लेन दिखा वो है आपका वर्टिकल प्लेन। सामने जो दीवार दिख रहा है हमें वो इस तरीके से, वो वर्टिकल है, ठीक। ऑब्जर्वर के सामने वाला कौन है? वर्टिकल। जिस पे ऑब्जर्वर खड़ा है उसको क्या बोलते हैं? हॉरिजेंटल। तो ये वर्टिकल, ये हॉरिजेंटल, ठीक। और जो दोनों साइड बन गए, जैसे आप मान लो ऑब्जर्वर हो, तो ये जो सामने दिख रहा है प्लेन, ये कौन सा हो गया? वर्टिकल प्लेन। जिस पे आप खड़े हो वो कौन सा हो गया? हॉरिजेंटल प्लेन। और जो साइड वाला बच गया वो प्रोफाइल प्लेन। क्लियर। तो अब ये भी समझ लो कि हॉरिजेंटल वर्टिकल पे क्या दिखता है? फ्रंट व्यू, ठीक है ना। अभी समझाते हैं, छोड़ो हटाओ, ये समझ गए। ये तीनों कुछ भी हो सकता है, प्लेन तीन टाइप का, वर्टिकल प्लेन, हॉरिजेंटल प्लेन और प्रोफाइल प्लेन। तो ये हुआ ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन के बारे में समझे, ठीक है। तो अब आते हैं ऑर्थोग्राफिक। तो देखो, ऑर्थोग्राफिक होने के लिए दो कंडीशन होना बहुत जरूरी है। ऑर्थोग्राफिक के लिए दो कंडीशन, कि जो भी प्रोजेक्टर्स जाएगा, ये सब जो 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 जाएगा प्रोजेक्टर्स, वो सब के सब पैरेलल होना चाहिए, सब के सब पैरेलल होना चाहिए। तो यहाँ पे लिख लो, ऑल प्रोजेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर, ठीक। ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई करता है तब उसको बोलेंगे ऑर्थोग्राफिक। इसके लिए दूसरा कंडीशन क्या, कि जो प्रोजेक्टर्स जा रहा है यहाँ पे, कुछ ऐसे प्रोजेक्ट मान लीजिए, ये आपका स्क्रीन है, ऐसे प्रोजेक्टर्स आया, तो जब इस पर स्ट्राइक करेगा तो वो 90 डिग्री अगर फॉर्म कर रहा है, या फिर बोलो परपेंडिकुलर है, तभी आप बोलोगे ऑर्थोग्राफिक है, ठीक है ना। तो क्या, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन, अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करता है तभी आप बोलोगे वो ऑर्थोग्राफिक है। क्लियर हो गया बात, कि ऑर्थोग्राफिक होने के लिए क्या होना चाहिए, कि जो भी प्रोजेक्टर्स जा रहा है वो पैरेलल होगा, और जब स्क्रीन के ऊपर स्ट्राइक करेगा तो वो क्या होना चाहिए? परपेंडिकुलर होना चाहिए, यानी कि यहाँ से जो एंगल बन रहा है वो कितने डिग्री का? 90 डिग्री होना चाहिए, तभी आप बोलोगे वो कौन सा है? ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन है। क्लियर। तो ये हुआ इंट्रोडक्शन ऑर्थोग्राफी का। अब बात करते हैं सिस्टम ऑफ प्रोजेक्शन। अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, ठीक है। चलो, ऑर्थोग्राफिक समझे, अब बात करते हैं सिस्टम ऑफ प्रोजेक्शन की। चलो, सिस्टम ऑफ प्रोजेक्शन, देखो ये इसलिए समझाता हूँ सबको कि सबका ओरिजिन यहीं से हुआ है, सबका ओरिजिन सिस्टम ऑफ प्रोजेक्शन से हुआ है। जो भी लाइट जा रहा होगा ना, जो लाइट जा रहा होगा वो वही आपको बताता है कि किस टाइप के प्रोजेक्शन से आप बात कर रहे हो, है ना। आइसोमेट्रिक है कि ऑर्थोग्राफिक के, सब के सब वही, ऑब्लिक प्रोजेक्शन, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट वगैरह जितना भी है सब यही बताता है। क्लियर, ठीक है। तो चलिए समझते हैं पहले सिस्टम ऑफ प्रोजेक्शन। तो देखो, जो लाइट जाएगा, ये लाइट जा रहा है इधर से, तो वो क्या क्या कंडीशन हो सकता है? या तो पैरेलल होगा सबके सब, या तो कुछ डाइवर्जिंग नेचर के होंगे, ऐसे आगे बढ़ रहे हैं, जैसे टॉर्च देखे होंगे आप लोग, क्या रहता है, टॉर्च ऐसे जलाया है, बाहर जाके लाइट ऐसे आ गया, ठीक है। तो या तो ऐसे हो गया, या तो कन्वर्जिंग नेचर का होगा। कन्वर्जिंग कहने का मतलब एक सिंगल पॉइंट पे आके सब मिल रहे होंगे ऐसे, ठीक। तो तीन केस हो सकता है, पैरेलल, कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग, तीन टाइप से लाइट जा सकता है, ठीक। और देखो, ये तीन कंडीशन तो समझे, और स्ट्राइक करेगा तो कितने टाइप से कर सकता है? या तो ऐसे करेगा, या तो किसी एंगल पे करेगा, या तो 90 डिग्री करेगा, या तो कोई एंगल बना के इस पर स्ट्राइक करेगा स्क्रीन के ऊपर, ठीक है ना। तो यही कंडीशन हो सकता है, उसी सब कंडीशन पे क्या बना है? सिस्टम ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक है। चलिए, तो सिस्टम ऑफ प्रोजेक्शन समझते हैं। तो पहला है सिस्टम ऑफ प्रोजेक्शन में पैरेलल प्रोजेक्शन, क्या बोलेंगे इसको? पैरेलल प्रोजेक्शन, ठीक। पैरेलल प्रोजेक्शन यानी कि जितने भी प्रोजेक्टर सब जा रहे हैं वो सब के सब क्या है? पैरेलल है, ठीक। दूसरा क्या बना? कन्वर्जेंट या फिर डाइवर्जेंट, या फिर इसको ऐसे बोल देते हैं कन्वर्जेंट, या फिर कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट, इधर अपन को जाना ही नहीं है, क्लियर। कन्वर्जेंट हो सकता है या फिर डाइवर्जेंट हो सकता है। कन्वर्जेंट यानी कि ऐसे जा रहा है, ठीक, या फिर डाइवर्ज हो रहा है, ऐसे बाहर निकल रहा है। ये सब कौन है? ये सब रे ऑफ साइट है, है ना, रे ऑफ साइट, या फिर जिसको बोल रहे हो प्रोजेक्टर्स है, क्लियर है ना। यही है, उन लाइट के बारे में बात हो रहा है अभी, ठीक है। अब बात करते हैं उधर। तो देखो, होगा क्या कि अगर आप पैरेलल प्रोजेक्शन पे बात करोगे तो जितने भी आपको इमेज मिलेंगे वो एक्चुअल साइज का मिलेगा,
एक्चुअल साइज मतलब जितना आपका ऑब्जेक्ट का साइज है, इमेज भी उसी साइज का मिलेगा। लेकिन जब आप कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट में जाओगे तो जो एक्चुअल साइज ऑफ ऑब्जेक्ट है वो आपको नहीं मिलता है, इसीलिए इसका प्रेफर किया जाता है कि नहीं यूज करें। ठीक है, नहीं यूज करते इसीलिए अपने सिलेबस में इसको बारे में डिस्कशन ही नहीं करना है। ठीक है, तो अभी आते हैं पैरेलल प्रोजेक्शन में। तो देखो पैरेलल प्रोजेक्शन में दो पार्ट में बटा, पहले तो जितने भी प्रोजेक्टर्स हैं वो सब के सब पैरेलल हैं, सब के सब क्या है पैरेलल जा रहे हैं। ठीक है, अब पैरेलल में भी दो टाइप, एक आया ऑर्थोग्राफिक, ठीक, दूसरा आया आपका ऑब्लिक प्रोजेक्शन। ऑब्लिक प्रोजेक्शन समझ गए, पहला क्या आया ऑर्थोग्राफिक और दूसरा ऑब्लिक प्रोजेक्शन। ठीक है, अब समझाते हैं। ऑर्थोग्राफिक में भी दो पार्ट में बटा, एक ही एक एक बार समझाते हुए आगे बढ़ते हैं। चलो समझाते हुए आगे बढ़ते हैं, देखिए चलो ऑर्थोग्राफिक, ऑर्थोग्राफिक होने के लिए अभी कंडीशन क्या समझाया था कि पहले देखो अगर पैरेलल है, पैरेलल का दो लड़का है तो ये भी पैरेलल होगा, ये भी पैरेलल होगा, होगा ना। ठीक, तो ये भी पैरेलल है, ये भी पैरेलल है। ठीक, पैरेलल तो मर गए, एक हुआ थोड़ा लायक बना, दूसरा नालायक बना, ऐसे समझना। ठीक, पहले तो कंडीशन ये बना कि ये पैरेलल है तो ये भी पैरेलल है। ठीक, अभी तक तो सही जा रहा था। इसने क्या करा ऑर्थोग्राफिक ने, तो पैरेलल तो सब के सब रे जा रहे थे, ऐसे मान लो तीन रे है, ठीक, सब के सब पैरेलल जा रहे हैं, ये भी पैरेलल जा रहे हैं। ठीक, और जो ऑर्थोग्राफिक वाला हुआ वो जाके सीधा 90 डिग्री पे टकराता है, ये जो प्रोजेक्टर हुआ सीधा 90 डिग्री फॉर्म करता है स्क्रीन से, और ये क्या हुआ ये 90 डिग्री ना करके कुछ एंगल फॉर्म कर दिया ऐसे, क्लियर ना। तो ये हुआ ऑब्लिक प्रोजेक्शन, ये क्या है ऑर्थोग्राफिक, यानी कि समझ गए कि ये 90 डिग्री पे गया, ये कोई और एंगल फॉर्म कर दिया, क्लियर है ना। ठीक, अब देखो ऑर्थोग्राफिक में दो पार्ट, ये कितने पे मतलब ये भी लिख देता हूं कि ये कितने पे करें कि जो आपका परपेंडिकुलर टू पीओपी गया, ठीक है ना, और ये परपेंडिकुलर ना जाके कोई एनी एंगल बनाए, कोई और एंगल फॉर्म किया है पैरेलल ही, और है पैरेलल प्रोजेक्शन ही। ठीक है, अब आते हैं ऑर्थोग्राफिक पे। ठीक, तो ऑर्थोग्राफिक में आए तो ये भी दो पार्ट में बटा, ठीक, ऑर्थोग्राफिक भी दो पार्ट में, एक आया मल्टी व्यू प्रोजेक्शन, मल्टी व्यू प्रोजेक्शन, दूसरा आया आपका एक्सोनोमेट्रिक प्रोजेक्शन। ठीक, एक आया मल्टी व्यू और दूसरा क्या आया एक्सोनोमेट्रिक। अब मल्टी व्यू देखना समझना कि ये ऑर्थोग्राफिक ये जा रहा है परपेंडिकुलर, पहले तो देखो पैरेलल, ये भी पैरेलल, ठीक, ये परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर। ठीक, तो ये भी मतलब समझ गए ना, ये इसके लिए भी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई, इसके लिए भी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई, समझ गए ना, जो जिसका होता है उसका तो फॉलो करेगा ही, अब ऐसा होगा कि बाद में जाके कुछ बदल जाए, क्लियर। तो मल्टी व्यू में क्या हुआ कि किसी ऑब्जेक्ट का, किसी भी अगर 3D ऑब्जेक्ट है उसका हम अलग अलग करके व्यू देखते हैं। जैसे मान लीजिए कोई 3D ऑब्जेक्ट है, यही मान लो मार्कर है, सामने से देखा, फिर टॉप से देखा, फिर साइड से देखा, अलग अलग व्यू लिए, ठीक, तो वो हुआ मल्टी व्यू प्रोजेक्शन, है दोनों कंडीशन, ये दोनों सेटिस्फाई करेगा, पैरेलल भी रहेगा परपेंडिकुलर भी रहेगा, ध्यान रहे पैरेलल भी और परपेंडिकुलर भी। लेकिन हुआ क्या कि इसमें हम लोग अलग अलग व्यू देखे, फ्रंट व्यू देखे, टॉप व्यू देखे, साइड व्यू देखे, और जब एक्सोनोमेट्रिक में पहुंचे तो वहां एक ही बार में तीनों व्यू देख लिए, तीनों व्यू, मान लो मैं ऐसे करके दिखाता हूँ ऑब्जेक्ट को तो आपको यही वाला पोर्शन दिखेगा, अब मैं इसी ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा ऐसे टिल्ट कर देता हूँ तो टिल्ट करूंगा तो आपको ये भी फेस, ये भी फेस, ये भी फेस, तीनों फेस दिख जाएगा एक ही बार में, तो इस तरीके। लेकिन हाँ होगा क्या, जैसे ही आप ऑब्जेक्ट को टिल्ट करोगे लाइट इस पर पड़ेगा तो जाके फिर छोटा इमेज बन जाएगा, क्लियर है ना। तो ऐसा समझिए कि यहाँ पे अलग अलग व्यू देखे, यहाँ पे एक ही बार में तीनों देखे, है दोनों कंडीशन सेटिस्फाई ही करेगा, क्लियर। तो चलिए मल्टी व्यू प्रोजेक्शन में आया आपका फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, चार कंडीशन आया, फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, चार एंगल प्रोजेक्शन, चार एंगल प्रोजेक्शन बनाया गया इसमें मल्टी व्यू में, यानी कि चार एंगल कहने का मतलब हम क्वाड्रेंट बनाएंगे, पहले इसमें रखेंगे तो ये पहला फर्स्ट सेकेंड थर्ड और ये फोर्थ,
चारों में बारी बारी से ऑब्जेक्ट को रखो और उसका प्रोजेक्शन ले लो, तो ये आया मल्टी व्यू प्रोजेक्शन में। क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक, आगे बढ़ते हैं। एक्सोनोमेट्रिक प्रोजेक्शन, एक्सोनोमेट्रिक प्रोजेक्शन यानी कि इसको बोलो वन व्यू प्रोजेक्शन, वन व्यू प्रोजेक्शन यानी कि एक ही बार में आप तीनों व्यू देख रहे हो, तीनों साइड देख ले रहे हो एक ही बार में। तो इसमें आया तीन टाइप से, एक आया आपका डाइमेट्रिक, डाइमेट्रिक, दूसरा आया ट्राइमेट्रिक और थर्ड वन आया आइसोमेट्रिक, आइसोमेट्रिक। क्लियर? अब ध्यान से देखिए, यहां तो समझ गए क्या करना है अपन लोग को, क्वाड्रेंट बनाना है, पहले ऑब्जेक्ट को यहां रखना है, फिर इधर देखना है, इधर देखना है, अगर फ्रंट देखोगे तो यहां बनेगा, टॉप देखोगे तो यहां बनेगा। क्लियर? इस तरीके से अभी समझाऊंगा, फर्स्ट एंगल थर्ड एंगल सब समझाऊंगा, ठीक है? तो ऐसे क्या करा कि चारों में से किसी में रखा ऑब्जेक्ट को और ऑब्जर्व कर लिया उसका फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू। यहां क्या हुआ एक्सोनोमेट्रिक में, क्या हुआ कि जैसे ही आप ऑब्जेक्ट को ऐसे टिल्ट किए, जब ऑब्जेक्ट को टिल्ट किए तो वो क्या हुआ होगा, कुछ ऐसा फॉर्म हुआ। देखो, जब आप ऑब्जेक्ट को टिल्ट किए तो एक ही बार में तीनों व्यू दिखा, और तीनों व्यू जब देखोगे तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा एक ही बार में तीनों। ठीक, मान लीजिए ये 3D है, ये इसका टॉप है, ये फ्रंट है और ये साइड है। ठीक है, अब देखो ये कुछ ऐसा बना, अगर मान लो यही सिंपल एक दिखते, फ्रंट केवल दिखते तो आपको क्या दिखता, बस ऐसा दिखता, यही दिखता। फ्रंट से देखते हो तो ये दिखता, टॉप से देखते तो ऐसा दिखता, और साइड से देखते तो यही वाला चीज़ इधर दिख जाता। ये होता किस में, मल्टी व्यू प्रोजेक्शन में। लेकिन जब आप आए इसमें एक्सोनोमेट्रिक में, तो ये तो एक ही बार में तीनों दिखाता है, एक ही बार में तीनों व्यू दिखाता है। तो ट्राइमेट्रिक, डायमेट्रिक और आइसोमेट्रिक तीनों में तो एक ही बार में दिखना है, लेकिन चेंजेस क्या है कि जब डायमेट्रिक की बात किए तो जब आप इस तरीके से टिल्ट किए तो ये जो एंगल फॉर्म हुआ है आपस में, ये अल्फा, बीटा और गामा, इसको अल्फा बोल देते हैं, इसको बीटा बोल देते हैं, ये गामा बोल देते हैं, ठीक है ना, अल्फा बीटा और गामा। जब डायमेट्री की बात किए तो दो बराबर एंगल बने, दो बराबर एंगल बने, यानी कि मान लीजिए कि अल्फा इक्वल टू बीटा तो हुआ लेकिन गामा के बराबर नहीं हुआ। जैसे अगर तीनों बराबर रहता तो क्या बोलते, तीनों कितना बनेगा 360 का, तो एक कितना बनेगा 120 और 120, अल्फा बीटा और गामा 120 120 120 हुए। ठीक, लेकिन हुआ क्या कि ये दोनों तो बराबर हुए और तीसरा अलग अलग हो गया। तो केस क्या हो सकता है समझो, तो अगर दोनों बराबर कर दो, मान लो एक आया 110, दूसरा भी आया 110, तो तीसरा कितना होगा, देखो तो कितना हो जाएगा, 10 10 20, आपको तो 360 पूरा रहा है तो 140, तीसरा एंगल कितना बन गया 140, तीनों मिला के कितना हो जाएगा 360। क्लियर है ना? तो ये हुआ अल्फा इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा, तो ये है आपका डाइमेट्रिक। क्लियर? जब ट्राइमेट्रिक की बात हुआ तो ट्राइमेट्रिक में तीनों एंगल अलग अलग आ गए, तीनों एंगल अलग हो गए, तीनों एंगल मतलब अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा। तो केस क्या कैसा बन सकता है कि एक एंगल बना कितने का, ट्राइमेट्रिक में बात करें तो एक बना 110, दूसरा 120, तीसरा 130, ठीक है ना, अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा, ये हुआ ट्राइमेट्रिक प्रोजेक्शन। ठीक, अब जब आइसोमेट्रिक की बात करें तो ये तीनों बराबर, यानी कि ये भी बना 120, ये भी 120 और अल्फा बीटा गामा तीनों बराबर, और तीनों एंगल कितना फॉर्म किए 120 डिग्री, तो उसको बोलते हैं आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। यहाँ तक क्लियर हुआ कि अल्फा बीटा गामा तीनों एंगल कितना फॉर्म करे 120 डिग्री, तो उसको बोलते हैं अपन आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। ठीक है ना, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। कितना मिनट हो गया, चलिए आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन समझ गए यहाँ तक। चलिए अब बात करते हैं इस साइड ऑब्लिक प्रोजेक्शन में। अब देखो ये इसमें एक और चीज़ ऐड कर देते हैं कि देखो तो अगर डायमेट्रिक की बात करोगे तो दो बराबर है, यानी कि पहले तो समझिए जब आप ऑब्जेक्ट को टिल किए तो रिड्यूस हुआ होगा, तो वो रिड्यूस लेंथ फाइंड आउट करना होगा। तो दो तो बराबर है, दो फेस बराबर और तीसरा अलग है, यानी कि कम से कम अगर दो बराबर है तो इन दोनों बराबर के लिए एक स्केल बनेगा। ठीक, और ये जो अलग है उसका एक स्केल बना, तो कितना स्केल हो गया टोटल, दो स्केल बनाना पड़ेगा। कहाँ पे, डायमेट्रिक प्रोजेक्शन में। ठीक, ट्राइमेट्रिक में आपको क्या करना पड़ेगा, तीनों अलग है तो यहाँ पे तीन स्केल बनाना पड़ेगा, ये सब एकदम ध्यान में रखना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकता है।
ठीक, प्लाइमेट्रिक में कितना स्केल की जरूरत पड़ेगा, 3 स्केल। और स्केल किस लिए, किस लिए स्केल निकालते हैं हम लोग, रिड्यूस लेंथ फाइंड आउट करने के लिए, रिड्यूस्ड लेंथ फाइंड करने के लिए हम लोग स्केल बनाते हैं कि कितना रिड्यूस हुआ, कौन सा फेस कितना रिड्यूस हुआ, इसलिए हम लोग स्केल बनाते हैं। ठीक है, आइसोमेट्रिक में देखो सबसे आसान, तीनों बराबर है तो एक ही स्केल बनाओ, काम हो जाएगा। तो इसके लिए केवल और केवल 1 स्केल की जरूरत है, 1 स्केल का जरूरत है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग ज़्यादा अभी जो नेक्स्ट यूनिट आने वाला है वो आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन है। यहाँ 1 स्केल बनाओ, काम हो जाएगा, जितना रेडियस हुआ सब के सब हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक, तो ये अपना एक्सोमेट्रिक, ये मल्टीव्यू। अब आते हैं ऑब्लिक प्रोजेक्शन, इसमें अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। ठीक, चलिए आते हैं ऑब्लिक प्रोजेक्शन में। चलिए ऑब्लिक प्रोजेक्शन यहां लिख देता हूं मैं, क्या था यहां था एक्सोनोमेट्रिक, ये था डायमेट्रिक और ट्राइमेट्रिक और आइसोमेट्रिक। ठीक, चलो ऑब्लिक की बात करते हैं। अब ध्यान से देखो, तो ऑब्लिक कहाँ से आया है, ऑब्लिक आया है पैरेलल प्रोजेक्शन से, सब तो जा रहा है पैरेलल ही। ठीक, पैरेलल का लड़का तो पैरेलल ही रहेगा, लेकिन थोड़ा सा ये निकल गया। ठीक है, तो ये जाके 90 डिग्री पे नहीं, किसी और एंगल पे फॉर्म कर दिया है ना। अगर मान लो इसमें 3 चीज़ आया, एक आया जनरल प्रोजेक्शन, ठीक, दूसरा आया कैविलियर प्रोजेक्शन, और थर्ड बनाया कैबिनेट प्रोजेक्शन। 3 टाइप के आए, तो पहले समझते हैं कैविलियर से कि जा रहा है पैरेलल, ध्यान से देखिए जा रहा है पैरेलल, और जाके स्ट्राइक अगर 90 पे कर जाता, यानी एंगल 90 फॉर्म करता, तो ये चला जाता इधर ऑर्थोग्राफिक में। अगर 90 ना करके ये 45 डिग्री पे स्ट्राइक करे, ऐसे गया और ये 45 डिग्री बना दिया एंगल, कितने का, 45 डिग्री बना दिया। तो जब 45 डिग्री बनाता है तो उसको बोलते हैं कैविलियर प्रोजेक्शन, कितना 45 डिग्री बनाता है तो कैविलियर प्रोजेक्शन। और यही एंगल जाके अगर 63 डिग्री हो जाए, कितना डिग्री, 63.2 मान लो 1 के आसपास डिग्री में, ठीक है ना, 63 डिग्री हो जाए अप्रॉक्सीमेटली, तो इसको बोलते हैं कैबिनेट प्रोजेक्शन। ठीक, अगर 45, 63 और 90, 90 वाला ऑर्थोग्राफिक, 45, 63 और 90 छोड़ के कोई और एंगल फॉर्म कर गया, तो कहाँ गया वो, जनरल प्रोजेक्शन में। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। ठीक, 45 पे क्या बोलेंगे, कैविलियर, 63 पे क्या बोलेंगे, कैबिनेट। अगर इन दोनों, यानी 90 पे क्या बोलते हैं, ऑर्थोग्राफिक। अगर इन तीनों को छोड़ के कोई और एंगल फॉर्म किया, 10, 20, 10, 11, 12, 14, 15 कुछ भी, तो क्या बोल दोगे, जनरल प्रोजेक्शन। क्लियर, सिस्टम ऑफ प्रोजेक्शन क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं हम लोग एक एक करके समझते हैं, पहले फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, फिर सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक, उसके बाद आएंगे प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट पे, फिर प्रोजेक्शन ऑफ लाइन पे, और फिर सॉलिड पे। चलिए फटाफट, यहां तक क्लियर हो गया होगा। चलिए मल्टी व्यू प्रोजेक्शन पे आते हैं। अब मल्टी व्यू प्रोजेक्शन में पहले बात करें हम लोग फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। ठीक, एकदम देखना, एकदम बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, छोटा छोटा करके एक ही बार में चारों समझाते हैं। मान लीजिए ये पहले समझो, पहले टर्मिनोलॉजी आया, छः या सात टर्मिनोलॉजी आया। देखो उसमें क्या बोला गया कि पहले प्रिंसिपल प्लेन किसको कहेंगे। ठीक है ना, पहले तो ये समझ गए, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू कहाँ बनेगा ये पहले समझ लेते हैं। ठीक, तो देखो पहली बात ये समझे कि हमारा प्लेन कितने टाइप के हैं। तो प्लेन तो समझ गए कितना है, एक आपका वर्टिकल प्लेन है, एक हॉरिजेंटल प्लेन है, और तीसरा प्रोफाइल प्लेन है। ठीक, तो 3 प्लेन है हमारे पास, कितने प्लेन, ऐसे जिसको हम लोग टर्मिनोलॉजी में देखते हैं, टर्मिनोलॉजी। ठीक, तो पहला प्लेन देखो, प्लेन कितना हुआ, 3।
कौन कौन सा? वर्टिकल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन और प्रोफाइल प्लेन। अब एक बात करते हैं कि ये प्रिंसिपल प्लेन क्या होता है। प्रिंसिपल प्लेन, ठीक है ना, प्रिंसिपल प्लेन क्या होता है समझते हैं पहले। और क्या बोलते हैं? रेफरेंस प्लेन भी इसको बोलो। रेफरेंस प्लेन किसको बोलते हैं? ये तीनों को छोड़ के ये आपका रेफरेंस प्लेन और प्रिंसिपल प्लेन किसको बोलते हैं? देखो, पहली बात तो ये है कि ऑब्जर्वर डिसाइड करता है कि हमारा प्लेन कौन सा है। कौन डिसाइड करता है? ऑब्जर्वर डिसाइड करता है कि हमारा प्लेन कौन सा, किसको नाम देंगे। तो अगर आप कोई भी डायग्राम बनाने जाओगे तो आपको उस चीज़ को एक बार तो फिक्स करना ही पड़ेगा कि ये मेरा वर्टिकल है, ये मेरा हॉरिजॉन्टल है, ये मेरा प्रोफाइल है। क्लियर? तो उसी तरीके से हमने दो प्लेन लिया। कितना प्लेन लिया? दो प्लेन लिया, ठीक। एक को बोला मैंने हॉरिजॉन्टल, एक को क्या बोला? हॉरिजॉन्टल, और दूसरे को बोला वर्टिकल। ये देखो, ये हॉरिजॉन्टल और दूसरा बोला वर्टिकल, और इन दोनों को आपस में इंटरसेक्ट करा दिए, ठीक। क्या बोला? कि इन दोनों को इंटरसेक्ट करा दिए। अब देखो, हॉरिजॉन्टल वाला तो आपको पता ही है कि जिस पे आप खड़े हो, वर्टिकल जो सामने दिख रहा होगा। क्लियर? तो इस तरीके से क्या लिया? दो प्लेन लिया, ठीक, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, रेफरेंस के तौर पे दो प्लेन लिया, उन दोनों को आपस में इंटरसेक्ट कराया। तो जब इंटरसेक्ट कराया तो एक क्वाड्रेंट फॉर्म हुए। क्या फॉर्म हुआ? क्वाड्रेंट फॉर्म हुआ। तो देखो, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, चार क्वाड्रेंट फॉर्म हुआ, ठीक। अगर आप इसको बोलो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, अगर आप इसमें ऑब्जेक्ट को रख के ऑब्जर्व करते हो तो बोलोगे फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में काम हो रहा है, ठीक। अगर इसमें ऑब्जेक्ट को रख के काम कर रहे हो तो बोलोगे सेकेंड में काम हो रहा है। अगर यहाँ ऑब्जेक्ट को रखोगे तो थर्ड में, यहाँ रखोगे तो फोर्थ में काम हो रहा है। क्लियर? फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन से चल रहा है। अब कंडीशन बना, पहले तो रेफरेंस लाइन, रेफरेंस समझ गए। रेफरेंस प्लेन क्या था? कि दो प्लेन लिया, दोनों को आपस में इंटरसेक्ट करा दिया और फिर इसको बोल दिया ये मेरा रेफरेंस है, ये मेरा रेफरेंस है। यानी कि ये वर्टिकल है तो वर्टिकल ही रहेगा, ये हॉरिजॉन्टल है तो हॉरिजॉन्टल ही अब रहेगा। हमने इसको फिक्स करा दिया। अगर नहीं कराते तो क्या होता? तुम ऊपर जाके देखते और बोलते सामने वाला प्लेन तो मेरा वर्टिकल है, हर बार बदलते रहता है ना। मान लीजिए जब टॉप व्यू देखना होता तो आप ऊपर जाते ना देखने के लिए, तो जब ऊपर से देखते तो बोलते अरे ये प्लेन तो मेरे सामने दिख रहा है और सामने वाला को तो मैंने वर्टिकल प्लेन बोला था, ठीक है, तो फिर इसको बोल दोगे कि वर्टिकल है। क्लियर है ना बात? तो इस तरीके से हमने क्या बोला कि इसको दो प्लेन लिया, दोनों को आपस में इंटरसेक्ट करा के उसको हमने रेफरेंस मान लिया। क्या मान लिया? कि रेफरेंस है, अब ये बदलेगा नहीं। क्लियर? तो उसी को बोलते हैं हम लोग रेफरेंस प्लेन या फिर प्रिंसिपल प्लेन। क्लियर हुआ बात ना? ठीक। अब देखो, अब ऑब्जर्व करना स्टार्ट करते हैं, ठीक। ये मेरा फर्स्ट है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ठीक। तो अभी देखो, आपका जो ऑब्जेक्ट होगा वो भी 3D में है, प्लेन है वो भी 3D में है, और ऑर्थोग्राफिक का मतलब होता है 3D से कहाँ जाना है? 2D में जाना है। यानी कि ऑब्जेक्ट रहेगा 3D में, ऑब्जेक्ट कहाँ रहेगा? 3D में। आपको जाना कहाँ है? 2D में जाना है। 3D से कहाँ जाना है? 2D में जाना है। तो कुछ ऐसे रोटेट करना पड़ेगा कि ये जो 3D में इमेज मिले वो 2D में कन्वर्ट हो जाए। तो पहले रोटेशन समझाते हैं, पहले बाद में। अब समझो कि ऑब्जेक्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखा गया। देखो, अभी फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, यानी कि ये समझ गए ओके। चलिए, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया है? फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में, यानी कि ऐसा प्लेन बन रहा है। जो प्लेन अभी मेरे हाथ में था उसी को मैंने इस तरीके से बनाया है, ठीक। पहले इसका नाम समझ लो, क्या बोलते हैं, नाम समझ लेगा तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो, अगर इसको बोल दिए ये मेरा हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ये वर्टिकल प्लेन है, वही चीज़ ये जो था ना, ये है, यही चीज़ यहाँ पे दिख रहा है ना, ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, कुछ ऐसा है 3D में। क्लियर? तो देखो, ऑब्जेक्ट अगर फर्स्ट एंगल में है तो क्या बोलोगे? HP के ऊपर है तो इसको बोल देते हैं अबव HP, ठीक। VP के सामने, तो पहले ऑब्जर्वर समझो। ऑब्जर्वर देखो, ऑब्जर्वर का अभी फर्स्ट एंगल थर्ड एंगल हटाओ, अभी क्वाड्रेंट समझो क्या है। प्रोजेक्शन क्वाड्रेंट, ये है प्रोजेक्शन क्वाड्रेंट, ठीक। प्रोजेक्शन क्वाड्रेंट समझे तो एक ही बार में कंप्लीट हो जाएगा। देखो, यहां पे अगर ऑब्जेक्ट को रख रहे हो तो क्या दिखे? ऑब्जर्वर पहले देखो, ऑब्जर्वर अगर यहां से देखता है तो क्या दिखेगा? ये इसका फ्रंट हुआ, मतलब कि आपको VP के सामने क्या दिखता है? अगर ऑब्जर्वर यहां से देखता है तो फ्रंट हो गया,
ये ऊपर से देखेगा तो टॉप हो गया, और इसी ऑब्जेक्ट को इस साइड या इस साइड से देखेगा तो साइड व्यू हो गया। क्लियर है ना? तो जब मान लो ऑब्जेक्ट यहां रख दिए, सामने से देख रहे हो तो ये क्या हुआ? फ्रंट व्यू। और फ्रंट व्यू कहां बनेगा? वर्टिकल प्लेन पे। टॉप से देखोगे तो टॉप व्यू कहां बनेगा? हॉरिजेंटल प्लेन पे। साइड व्यू देखोगे तो कहां बनेगा? प्रोफाइल। तीन प्लेन आपको बताया, सामने वाला वर्टिकल, ये हॉरिजेंटल और ये प्रोफाइल, तीन प्लेन है ना। तो फ्रंट व्यू कहां? इस पे। टॉप व्यू कहां? इस पे, यानी फ्रंट व्यू वीपी पे, ये एचपी, और साइड व्यू प्रोफाइल प्लेन बनेगा। क्लियर? तो चलिए ऑब्जर्वर देखो। ऑब्जर्वर ध्यान में रहेगा कि ये अपने लाइन पे ही मूव करेगा। ऑब्जर्वर हमेशा अपने लाइन पे ही मूव करता है, ठीक। तो ये जो फ्रंट व्यू देखने वाला ऑब्जर्वर है वो अपने लाइन पे ही चलेगा, ठीक। दूसरा जो टॉप व्यू देखने वाला ऑब्जर्वर होगा वो भी अपने लाइन पे चलेगा, ऐसे जाके कहीं पे जा सकता है, ठीक। ये अपना लाइन नहीं छोड़ेंगे। और एक और साइड व्यू देखने वाला होगा, साइड व्यू यानी प्रोफाइल प्लेन पे, वो भी अपने लाइन पे ही चलेगा, ठीक है ना, वो भी अपने लाइन पे ही चलेगा। क्लियर? तो पहले समझते हैं फ्रंट व्यू और टॉप व्यू, ठीक। तो देखो अगर ऑब्जेक्ट यहां रखे हो तो क्या बोलोगे? वीपी के सामने रखा हुआ है तो क्या बोलोगे? इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ वीपी, ठीक। एचपी के ऊपर है तो क्या बोलोगे? अबव एचपी। क्लियर? अगर सेकेंड में चला गया तो क्या बोलिएगा? वीपी के अब पीछे चला गया तो क्या बोलोगे? बिहाइंड, बिहाइंड वीपी और अबव एचपी। क्लियर? बिहाइंड वीपी और अबव एचपी। थर्ड में रखोगे तो क्या बोलोगे? थर्ड में वीपी के पीछे, वीपी के पीछे और एचपी के नीचे, तो इसको बोल दिए बिलो एचपी एंड बिहाइंड वीपी। क्लियर है ना? यहां पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा? इन फ्रंट ऑफ वीपी, बिलो एचपी, ठीक है। ये ऐसे कुछ नाम करते हैं हम लोग, नामकरण करते हैं कि कहाँ कहाँ ऑब्जेक्ट रहेगा तो किस हिसाब से। चलिए देखिए, ये समझ लिए आप लोग कि किस क्वाड्रेंट में क्या क्या नाम बोलते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा तो क्या बोलेंगे? इन फ्रंट ऑफ वीपी और अबव एचपी। क्लियर? तो अब देखो फ्रंट व्यू को क्या बोलते हैं हम लोग? फ्रंट व्यू को, फ्रंट व्यू को बोलते हैं एलिवेशन, एलिवेशन, ठीक है। और टॉप व्यू को बोला जाएगा प्लान। इसको एकदम ध्यान में रख लेना कि टॉप व्यू को क्या बोलते हैं? प्लान, और फ्रंट व्यू को एलिवेशन बोलते हैं। क्लियर? ये हो गया आपका प्रोजेक्शन क्वाड्रेंट बोलते हैं इसको, ठीक है ना, प्रोजेक्शन क्वाड्रेंट। अब देखो मैंने बोला कि ये जो ऑब्जर्वर होगा वो अपने लाइन पे ही मूव करेगा और ये अपने लाइन पे, तो इसका मीनिंग भी समझो क्यों करेगा। मान लीजिए ये फर्स्ट एंगल ये है, फर्स्ट इसको बोल दिए, इसको सेकेंड बोल दिए, ये थर्ड बोल दिए और ये फोर्थ बोल दिए। अगर मान लो ये ऑब्जर्वर यहाँ चला जाए, सपोज यहाँ से अब कहेगा नहीं सेकेंड क्वाड्रेंट में ऑब्जेक्ट है और मैं देखूंगा यहाँ से, तो अब देखो तो एक बार दिमाग लगाओ थोड़ा सा कि अगर ये यहाँ देखेगा तो देखो पहले यहां नाम समझना कि ऑब्जेक्ट कहां लाई कर रहा है। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट जो है वो लाई कर रहा है किसके किसके बीच में? प्लेन के, यानी कि वीपी के और ऑब्जर्वर के, ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर के बीच में है। ऑब्जेक्ट कहां है? प्लेन, मतलब कि पीओपी और ऑब्जर्वर के बीच में कौन है? ऑब्जेक्ट है। सिमिलरली अगर मान लीजिए ऑब्जेक्ट यहां रख रहे हो, आप सेकेंड क्वाड्रेंट पर रख दिए और यहां से ना देख के यहां से देख रहे हो, तो अब देखो तो फिर से वही चीज, ऑब्जेक्ट कहां रह गया? ऑब्जर्वर और पीओपी के बीच में। तब ये सेकेंड क्वाड्रेंट बोल सकते हैं क्या? इसको तो फिर से वही चीज आ गया, ऑब्जेक्ट कहां? ऑब्जेक्ट ऑब्जर्वर और पीओपी के फिर से बीच में आ गया। इसीलिए मैं बोलता हूं कि ये जो ऑब्जर्वर होगा वो अपने लाइन पे चलेगा, नहीं तो फिर वो सेकेंड एंगल प्रोजेक्शन किसके तरह काउंट हो जाएगा? फर्स्ट एंगल की तरह। क्लियर हुआ ना? कि इसीलिए बोला जाता है कि ऑब्जर्वर जो रहेगा वो अपने लाइन पे ही मूव करेगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन की। क्लियर? तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में कहाँ होगा ऑब्जेक्ट? एचपी के ऊपर, वीपी के सामने। चलिए दिखाता हूँ, दिखाता हूँ। ये रहा फर्स्ट एंगल, अब स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। क्लियर? तो देखो तो ये कुछ ऐसा है अपना, ये रहा प्लेन, अच्छे समझ लेना, ठीक। अब देखो रोटेशन पॉलिसी, दो रोटेशन पॉलिसी है अपना, कि रोटेशन पॉलिसी किस लिए? 3D से 2D में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है ना। तो पहला क्या बोलेंगे कि जो अपना ये वीपी है ये एचपी है, ठीक। तो वीपी को, एचपी को पहले समझो,
कीपिंग वीपी इज फिक्स्ड, वीपी को फिक्स्ड रखते हुए एचपी को क्लॉकवाइज डायरेक्शन 90 डिग्री और प्रोफाइल प्लेन को 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करना है। अगर ये हम लोग रोटेशन पॉलिसी अप्लाई करते हैं तो जो थ्री डायमेंशन से आप कहाँ चले जाओगे, 2D में चले जाओगे, यानी कि हमें चाहिए ही, क्योंकि देखो ऑब्जेक्ट भी 3D, प्लेन में 3D, लेकिन हमें तो ड्रॉ किस में करना है, सीट के ऊपर ड्रॉ करना है, क्लियर ना। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, रोटेशन पॉलिसी अप्लाई करते हैं। ठीक, चलिए ऑब्जेक्ट यहाँ रखा गया, क्लियर। तो जब यहाँ से ऑब्जर्वर देखेगा तो इसका फ्रंट साइड कहाँ बनेगा, वीपी पे बनेगा, तो यहाँ बना फ्रंट व्यू। ठीक, अगर टॉप से देखेगा तो कहाँ बनेगा, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे, तो यहाँ दिखा आपका टॉप व्यू, यहाँ दिखा फ्रंट व्यू। अब देखो रोटेट करते हैं, जल्दी सीखो, रोटेट करिए हम लोग, तो रोटेट किए तो ये आपका हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल को 90 डिग्री रोटेट करो तो ये प्लेन कहाँ आ जाएगा, ये एकदम सीधा, ये रोटेट होके कुछ ऐसा हो जाएगा, क्लियर। अब देखो समझाता हूँ इसको, मान लीजिए ये आपका वर्टिकल प्लेन, ये आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन, और एक और प्रोफाइल प्लेन कहाँ हो सकता है, ये फ्रंट व्यू फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन दिखा रहा हूँ, ये ऐसे है कुछ, ठीक है, इसको हमें ऐसे रोटेट करना है, इस तरीके से रोटेट करना है। ठीक, तो ये दिख रहा है आपको, ये वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल, एक और प्रोफाइल प्लेन इसके साइड में होगा, इधर होगा या तो इधर होगा, इस पर क्या बनेगा आपका, इस पर बनेगा साइड व्यू, क्लियर, लेफ्ट हैंड साइड व्यू या फिर राइट हैंड साइड व्यू। चलो इसको भी दिखाई देता हूँ, इसको बोल दिए ये है प्रोफाइल प्लेन। चलिए देखिए, ये रहा वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल, और ये आपका प्रोफाइल जो कि इस साइड है। ठीक है, तो अब देखो रोटेशन पॉलिसी अप्लाई करते हैं, मान लीजिए इधर रखा हुआ है, देखने के लिए मैंने इधर रख दिया पीपी को। चलो देखो यही है हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और ये प्रोफाइल, क्या बोल रहा है, एचपी को क्लॉकवाइज 90 डिग्री, एचपी को क्लॉकवाइज 90 डिग्री, ठीक है, पीपी को एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री। तो ये कुछ आपको दिखा ऐसा, ये दिखा, क्लियर, तो ऐसा दिखा, तो ऊपर फ्रंट व्यू नीचे टॉप व्यू और इधर प्रोफाइल, तो फ्रंट व्यू पे क्या बना, फ्रंट व्यू यानी कहाँ पे बना है, वर्टिकल प्लेन पे। तो देखो ऊपर बना आपका फ्रंट व्यू, नीचे आ गया टॉप व्यू, और इधर अगर देखो राइट साइड में किधर दिखता है, लेफ्ट हैंड साइड वाला, लेफ्ट हैंड साइड व्यू और इधर राइट हैंड साइड व्यू, ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नहीं हुआ तो दोबारा समझ लो कि इधर जब आप फ्रंट से देखोगे तो कहाँ बनता है, वर्टिकल पे, टॉप से देखोगे तो हॉरिजॉन्टल पे, और लेफ्ट साइड देखोगे तो मान लीजिए ये किधर से देख रहे हो आप, आपका ये मान लो राइट से दिख रहा है तो किधर दिखेगा, लेफ्ट में दिखेगा, अगर राइट से लेफ्ट से दिखेगा तो किधर, राइट में दिखेगा, वही चीज़ है, रोटेट कर देंगे तो आपको यहाँ आ जाएगा। चलो इससे भी समझो कि जब इसको रोटेट कर दिए तो कहाँ गया, यहाँ तो आपको फ्रंट व्यू दिख रहा था, रोटेट किया तो टॉप व्यू नीचे आ गया, और इधर उल्टा घुमाए तो ये चला गया इधर। ठीक है, तो ये बना फर्स्ट एंगल के कारण। ठीक, जब अगर यही सेकेंड एंगल में, यानी यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखेगा, ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो ऑब्जर्वर यहीं से दिखेगा। अब समझो कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया है, फटाफट सीखो, ऑब्जेक्ट यहाँ रखा गया है, यहाँ से अपन देख रहे हैं तो देखेंगे तो यहीं पे फ्रंट व्यू, ऊपर से दिखा तो टॉप व्यू यहाँ दिखा, क्लियर। अब इसको रोटेट करो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो जैसे ही रोटेट कराओगे तो फ्रंट व्यू और टॉप व्यू और फ्रंट व्यू आपस में ओवरलैप कर जाता है। तो चलो देखो, दिखेगा तो सेकेंड एंगल इसी में, मतलब कि ऊपर ही दिख रहा है, ये मान लीजिए रेफरेंस लाइन ले लिए, ये भी अपना रेफरेंस लाइन है ना, तो रेफरेंस लाइन से ऊपर क्या दिख रहा है, ये टॉप व्यू फ्रंट व्यू दोनों कहाँ चला जाएगा, ऊपर, है ना, रेफरेंस लाइन के ऊपर टॉप व्यू बन जाएगा, ऊपर ही क्या दिखेगा आपको, फ्रंट व्यू। लेकिन होगा क्या, ये दोनों आपस में जब मिलेंगे तो ये ओवरलैपिंग हो जाती है, क्या हो जाएगा, ओवरलैपिंग हो गया। ठीक है ना, तो ओवरलैपिंग के कारण फ्रंट व्यू और टॉप व्यू आपको क्लियरली नहीं दिख पाएगा, है ना, फ्रंट व्यू और टॉप व्यू क्लियरली दिख नहीं पाएगा, इसीलिए हम लोग इस प्रोजेक्शन को यूज नहीं करते। ठीक, चलो थर्ड एंगल में चेक करें, मान लीजिए यहाँ पे बना थर्ड एंगल में, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया, यहाँ, ऑब्जर्वर अपने लाइन से यहाँ पे आ गया, जब देखेगा तो यहाँ पे आपको बनेगा फ्रंट व्यू, यहाँ से देखेगा तो यहाँ बनेगा टॉप व्यू। अब इसको जैसे ही एचपी, ये आपका एचपी था, एचपी को जब रोटेट करोगे तो देखो एचपी कहाँ चला गया, ऊपर, ऐसे ऊपर, यानी कि अगर थर्ड का बात करें, इधर बनाता हूँ थर्ड, तो ये अपना रेफरेंस लाइन XY, ठीक है, तो देखो तो
ये जो टॉप व्यू कहाँ बना है, फ्रंट व्यू कहाँ बना है, नीचे। जैसे ही इसको एचपी को रोटेट करोगे तो देखो टॉप व्यू कहाँ चला गया, ऊपर। टॉप व्यू चला गया ऊपर, ठीक। नीचे क्या है, जस्ट इसके नीचे फ्रंट व्यू है। अब फ्रंट व्यू के बगल में ही बनता है साइड व्यू, क्योंकि प्रोफाइल प्लेन यही होगा। जब इधर रोटेट करोगे तो राइट का राइट में चला जाएगा, इधर लेफ्ट का लेफ्ट में ही रह जाएगा, ठीक है। तो फ्रंट व्यू के राइट में राइट हैंड साइड व्यू और लेफ्ट के लेफ्ट हैंड साइड व्यू। तो ये है आपका थर्ड एंगल प्रोजेक्शन के लिए। क्लियर हो गया होगा अच्छे से। चलिए अब फोर्थ एंगल में बात करते हैं, जब ऑब्जेक्ट रख दें इसमें, ठीक है। तो जब फोर्थ में रखोगे तो जब इधर से सामने देखोगे तो फ्रंट व्यू यहाँ, टॉप व्यू यहाँ। इसको रोटेट करो, एचपी को रोटेट करो, देखो अच्छे से। यहाँ से अगर फ्रंट व्यू देखे तो इस पर बन रहा है, टॉप व्यू यहाँ बन रहा है, ठीक। एचपी को रोटेट करना है, ये अपना एचपी है। जैसे ही रोटेट किए तो देखो ये अपना रेफरेंस लाइन था, तो रेफरेंस लाइन मान लीजिए फोर्थ के लिए बात करें तो ये रेफरेंस लाइन, ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई। तो देखो टॉप, ये जो फ्रंट व्यू है वो ऑलरेडी नीचे है, फ्रंट व्यू तो नीचे ही है। जैसे ही इसको रोटेट किए तो टॉप व्यू आ गया नीचे, दोनों एक साथ दिखने लगा। तो ये भी दोनों क्या हो जाएगा, ओवरलैप करेगा, ओवरलैपिंग हो जाएगी, और ओवरलैपिंग के कारण हमें क्लियरली व्यू नहीं दिख पाता। तो डिफरेंस क्या आया, ये सेकेंड एंगल में रेफरेंस लाइन के ऊपर और फोर्थ में रेफरेंस लाइन के नीचे, दोनों फ्रंट व्यू और टॉप व्यू। और इसको ध्यान में रखें, फर्स्ट और थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट हमारे यूज के लिए। देखो वहाँ जितने भी सारे व्यू होते हैं सब अलग अलग बनते हैं, यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड में सब अलग अलग। यहाँ पे ओवरलैपिंग के कारण इन दोनों को हम लोग यूज नहीं करते। इतना क्लियर हो गया होगा, मल्टी व्यू प्रोजेक्शन क्लियर हो गया होगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट, ठीक है। चलिए प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट, सारा चीज क्लियर, प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट। देखो ये सब थोड़ा फास्ट चल रहे हैं, है ना, नहीं तो समझाने के लिए तो बहुत बहुत कुछ है, एक एक चीज समझाना, लेकिन ये अपना वन शॉट चल रहे हैं तो थोड़ा सा फास्ट चल रहे हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट। प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट एकदम समझ में आ जाएगा, बहुत ईजी है ये तो, ठीक। जैसे देखो प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट, किसी भी पॉइंट का अपन प्रोजेक्शन लेते हैं, और प्रोजेक्शन लेने के लिए हमारे पास दो ही एंगल है, फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल, ठीक है। तो मान लीजिए कि ये एक पहले क्वेश्चन कैसे रहेगा, कोई क्वाड्रेंट दे देगा, मतलब कोऑर्डिनेट दे देगा, जैसे एक्स में दो, वाई में चार, में वाई में फोर दे दिया है, और इस पॉइंट पे एक पॉइंट लोकेट है, है ना, इस कोऑर्डिनेट पे कोई पॉइंट लोकेट है। तो कैसे बनाना है आपको, मान लो आप लोग पढ़े हो ना इस तरीके का, दो चार छः आठ, ऐसे ऐसे। तो मान लो दो एक्स में कितना जाना है, दो वाई में कितना जाना है, चार। ये दोनों जहाँ जाके पॉइंट इंटरसेक्ट करे यहीं पे आपका पॉइंट पी है, क्लियर, यहीं पे पॉइंट पी है। तो सपोज वो पॉइंट आपका यहाँ पे है, कुछ ऐसे दे देगा, बोलेगा यहाँ आपको पॉइंट है, तो बताइए कि फ्रंट व्यू टॉप व्यू, और फ्रंट व्यू टॉप व्यू पूछेगा, पॉइंट है ना, तो फ्रंट व्यू और टॉप व्यू पूछता है, ठीक है। तो फर्स्ट एंगल की बात करते हैं अभी, फर्स्ट एंगल में तो मान लीजिए जब फ्रंट से देखें, मान लीजिए यहाँ से ऊपर कितना है, यहाँ से वाई में कितना है, फोर है, और एक्स में कितना जा रहा है, टू। तो इस पे टू एंड फोर पे कोई पॉइंट लोकेट कर रहा है, ठीक है। इसका हमें बनाना है फ्रंट व्यू। तो देखो जब इधर से सामने से देखोगे तो यहाँ पे बनेगा आपका, ये आपका वीपी है। जब इधर से देखोगे तो टॉप व्यू एचपी पर बनेगा, और दिखेगा क्या ही, पॉइंट ही दिखेगा, क्लियर। अब रोटेट करो, एचपी को क्या करना था, रोटेट करना था, कितना डिग्री, 90 डिग्री। तो जब रोटेट करोगे तो देखो ये एक्स वाई लाइन हो गया, ठीक। तो फ्रंट व्यू कितना है, फ्रंट व्यू अगर मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ से कितना ऊपर, चार ऊपर आपका दिख रहा है, ये आपका फ्रंट व्यू, ठीक है। जैसे ही आप इसको रोटेट किए तो देखो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, टू है। तो जैसे ही आप इसको रोटेट करोगे तो पॉइंट सीधे सीधे नीचे आएगा, तो यहाँ से ऐसे रोटेट होके यहाँ, तो ये डिस्टेंस टू, तो ये भी डिस्टेंस टू, है ना, ये टू है, तो ये भी रोटेट होके नीचे टू, यानी कि इसके ऊपर फोर पे बना फ्रंट और नीचे क्या बना, दो पे बना टॉप, क्लियर। तो इस तरीके से आपको प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट होगा, क्लियर। एक और एग्जांपल ले लो, मान लो देता 4.6, ऐसे दिया रहता 4.6, और दे देता किस में, थर्ड क्वाड्रेंट से बनाने के लिए, ठीक है। तो अब थर्ड में देगा तो माइनस बोलेगा ना, या फिर मान लो थर्ड पे दे दिया, माइनस नहीं बोला है, थर्ड से बनाने के लिए बोल रहा है। तो एक्स में जाना है फोर, इसको हटाओ, माइनस प्लस वाला, इधर थर्ड बोल दिया, थर्ड बोल दिया। तो एक्स में जाना है चार, यानी कि यहाँ चार चले गए, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, ठीक है। यहाँ पे वाई में कितना आना है, सिक्स,
इसको मिटा देना, समझ गए होंगे। y में आना है 6, तो यहाँ 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ है 6 5 4 3 2 1, ठीक है। तो यहाँ पे 4 वाला लाइन यहाँ, ये 6 वाला लाइन यहाँ, तो यहाँ पे आपका पॉइंट है, क्लियर। चलो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन से हमें बनाना है, तो देखो तो कहाँ बनेगा, थोड़ा सा ट्राई कर लो खुद से, खुद से क्या करना है। देखो यहाँ पे बना आपका फ्रंट व्यू, ठीक है, टॉप व्यू बना यहाँ पे, टॉप ऊपर से देखोगे तो यहाँ पे पॉइंट मिलेगा, ये पॉइंट यहाँ प्रोजेक्ट हो गया, यहाँ हो गया, रोटेशन दो। तो देखो तो पहले एक्स वाई लाइन नीचे कितना है, जो आपका फ्रंट व्यू कितना नीचे है, 6 नीचे, तो यहाँ से 6 नीचे आ जाओ, यहाँ से 6 नीचे आपका पॉइंट दिख रहा है, कौन सा वाला, फ्रंट व्यू दिख रहा है, ठीक। और यहाँ से जैसे ही रोटेट करोगे तो ये 4 था, तो ये ऐसे रोटेट होके ये पॉइंट यहाँ तक, ये 4 चला जाएगा यहाँ पे, है ना, ये 4 यहाँ, तो इससे ऊपर कितना, 4, क्लियर। ये क्या बना है आपका, टॉप व्यू, क्लियर। तो ये 4 यहाँ डिस्टेंस, ये पॉइंट यहाँ चला गया, ठीक है, तो इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है ना, ऊपर चला गया टॉप व्यू, नीचे फ्रंट व्यू, अरे जैसे करते आ रहे हैं वैसे ही है, सिंपल है, ठीक है। चलिए तो ये हो गया प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट, ऐसा ही क्वेश्चन आता है, एकदम आसान आसान था, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं प्रोजेक्शन ऑफ लाइन की, समझ में आ गया होगा, प्रोजेक्शन ऑफ लाइन, पॉइंट लिख दिया था, पॉइंट टी, अब बात करें लाइन। देखो अब कंडीशन समझ लो कि आप कैसे रख सकते हो, मान लीजिए किसी क्वाड्रेंट में मान लीजिए यही क्वाड्रेंट है आपका, तो लाइन को आप कितने टाइप से रख सकते हो। तो मान लो ये लाइन है, और लाइन क्या बनता है, दो पॉइंट को मिलके लाइन बनता है। तो मान लीजिए कुछ कोऑर्डिनेट दिया होगा यहाँ पे ए पॉइंट, और ये हो गया बी पॉइंट, है ना, इनके बीच का कोऑर्डिनेट मान लो 2 और 4 है, इधर मान लो 5 और 6 है, इस दोनों पॉइंट को मिलाए तो एक बना लाइन, है ना, दो पॉइंट को मिलाते हैं तो एक लाइन बनता है। अब सोचो कि इस लाइन को कितने टाइप से रख सकते हो। देखो पहले क्या रख सकते हो, ये मान लीजिए HP है, ये VP है, ठीक, ये HP और ये VP, तो पहले मान लीजिए ऐसे रख सकते हो, ऐसे कहने का मतलब कि HP के परपेंडिकुलर और VP के पैरेलल, HP के परपेंडिकुलर, VP के पैरेलल, ऐसे लाइन रखा हुआ है। दूसरा क्या, इस तरीके से लाइन रख सकते हो, तो ऐसे रखे तो क्या हो गया, इस VP के परपेंडिकुलर और HP के पैरेलल। तीसरा कैसे रख सकते हो, ऐसे रख दो, तो देखो दोनों के पैरेलल, समझ गए ना, दोनों के पैरेलल, तीन कंडीशन से रख सकते हो, या फिर किसी एंगल पे रख दो, ऐसे करके रख दो, ठीक है ना, यहाँ से किसी एंगल पे ऐसे रख दो, क्लियर। तो मतलब तीन कंडीशन से रख सकते हैं हम लोग, चौथा किसी एंगल पे। तो चलो पहला क्या था, केस 1 कि क्या है, केस 1 परपेंडिकुलर टू, ये क्या है, HP परपेंडिकुलर टू, फर्स्ट क्या है, परपेंडिकुलर टू HP एंड पैरेलल टू VP, पहला कंडीशन, ठीक है। दूसरा क्या हो गया, रिवर्स, परपेंडिकुलर टू VP एंड पैरेलल टू HP, ठीक, या फिर दोनों कंडीशन हो सकता है, पैरेलल टू बोथ HP एंड VP, है ना, दोनों के पैरेलल। अब देखो कंडीशन आता है, क्या मैं दोनों के पैरेलल तो रख सकता हूँ, क्या दोनों के परपेंडिकुलर भी हो सकता है क्या, है ना, दोनों के परपेंडिकुलर, HP के पैरेलल एंड परपेंडिकुलर, HP मतलब पैरेलल तो दोनों के साथ हो सकता है, HP और VP के पैरेलल हो सकता है, लेकिन परपेंडिकुलर नहीं हो सकता है। देखो तो क्यों नहीं हो सकता है, मान लो तुम ऐसे लाइन को रखे तो इसके परपेंडिकुलर, इसके तो पैरेलल हो गया, ठीक है ना, अगर ऐसे रखोगे तो इसके परपेंडिकुलर, VP के परपेंडिकुलर और HP के पैरेलल, इस तरीके के रखे तो दोनों के पैरेलल, लेकिन परपेंडिकुलर दोनों को एक साथ नहीं हो सकता, क्लियर है ना। तो ध्यान रहे, ऐसे कंफ्यूज करने के लिए देगा, परपेंडिकुलर टू बोथ HP एंड VP क्या हो सकता है, तो नहीं हो सकता है, क्लियर। और फोर्थ वन क्या हो सकता है, किसी एंगल पे, एनी एंगल पे रख सकते हैं, है ना, तो 4 केस से हम किसी लाइन को रख सकते हैं, क्लियर हो गया होगा। चलिए तो एक एक करके लाइन को रखते हैं और उसका प्रोजेक्शन ड्रॉ करते हैं, क्लियर। तो चलो एक लाइन है जो कि HP के परपेंडिकुलर है, एक लाइन रख दिए जो HP के परपेंडिकुलर है और उसका कुछ कोऑर्डिनेट मान लेंगे, ठीक। और फर्स्ट एंगल से देखते हैं, मान लीजिए एक लाइन रखा हुआ है, ये फर्स्ट एंगल है,
ठीक है ना, ये फर्स्ट एंगल है, यहाँ पे एक लाइन रखा हुआ है कुछ ऐसा ऐसा रखा हुआ है, ठीक है ना, इस तरीके से। तो ये लाइन रखा हुआ है कुछ ऐसे, किसके परपेंडिकुलर है, एच पी के परपेंडिकुलर और वी पी के पैरेलल। इसका कोऑर्डिनेट दे देते हैं 4 और इधर मान लो 2, और इधर ही भी है 4 और इधर मान लो 6, है ना। इस दो पॉइंट से बिना है, मतलब 4 तो ये पॉइंट हो गया, x में कितना 4 और ये आपका 6 है, और यहाँ कितना है 2 है, ठीक है, इस तरीके से है। मान लो पूरा लिख दो, ये 2 4 2 4 6 ऐसे कुछ है। तो दो पॉइंट से मिलके बना एक लाइन बना है, ठीक है, इसका प्रोजेक्शन लेते हैं। तो जब देखो इधर से सामने से देखोगे इधर से ये गया इधर, तो सामने से देखो तो ये आपको लाइन ही दिखेगा, यानी फ्रंट व्यू में दिखा लाइन। चलो बनाते हैं इसको, ये आपका एक्स वाई, ठीक, फ्रंट व्यू में दिखा लाइन, और कितना ऊपर लाइन दिखा, यहाँ से 2 ऊपर, यानी कि यहाँ रखोगे पॉइंट और यहाँ से 2 ऊपर जाओगे, ये आपका मान लो ए है, ये बी है, तो यहाँ पे आ गया ए और ऊपर आ गया कितने का लाइन लोगे, 4 सेंटीमीटर का लाइन ले लिए, यहाँ आ गया बी, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, 4 सेंटीमीटर का कोई लाइन है मान लिए, ठीक है। तो इस तरीके से क्या बना आपका, फ्रंट व्यू बना, यहाँ बन गया फ्रंट व्यू। अब टॉप व्यू देखो ध्यान से, अगर टॉप व्यू यहाँ से जब देखना स्टार्ट करोगे लाइन का, तो क्या दिखेगा आपको, पॉइंट दिखेगा, यहाँ पे दिखेगा ना, एक लाइन को अगर ऊपर से ऐसे देखें तो क्या दिखा, पॉइंट दिखा। अब पॉइंट कहाँ दिखा, एच पी पे दिखा। अब इसको रोटेट करोगे तो देखो नीचे जाएगा, नीचे जाएगा ना, तो जब नीचे गया तो यहाँ से कितना डिस्टेंस दूर है, 4 डिस्टेंस दूर, यानी कि 4 नीचे जाएगा, यहाँ पे आ गया होगा कितने पे, 4 डिस्टेंस नीचे पे, तो इस पॉइंट से 4 नीचे जाओ, ठीक है ना, यहाँ से 4 नीचे, जैसे यहाँ पे 2 4, यहाँ पे क्या बना आपका, टॉप व्यू, और टॉप व्यू क्या दिखा, पॉइंट दिखा, है ना, टॉप व्यू में क्या दिखता है, पॉइंट दिखता है, क्लियर। अगर ऐसे कुछ लाइन दिख रहा है, यानी कि एच पी के परपेंडिकुलर और वी पी के पैरेलल है, तो फ्रंट व्यू में लाइन दिखता है, टॉप व्यू में पॉइंट दिखेगा। और अगर साइड से देखोगे, साइड से ऐसे ही देखोगे, तो साइड में भी क्या दिखेगा, लाइन ही दिखेगा, है ना, साइड से देखोगे तो लाइन ही दिखेगा। मान लो हम लेफ्ट हैंड साइड देख रहे हैं, तो राइट हैंड साइड में क्या दिखेगा आपको, लाइन ही दिखेगा। देखो ऐसे भी अगर कर लोगे, याद है ना अपना, इस तरीके से ऐसे, और यहाँ से जब इसको ऐसे रोटेट किए, मान लो ये ऐसे है ना, तो देखो ये जाके मिल रहा है ना, ये अपना लाइन थोड़ा सीधा कर लो, इधर से गया, ठीक है, ऐसे रोटेट किए तो यहाँ पे जाके मिला, देखो है ना, तो क्या दिख रहा है साइड में, ये कौन सा साइड हो गया, लेफ्ट हैंड साइड में, क्लियर। तो इस तरीके से बनता है प्रोजेक्शन ऑफ लाइन, ठीक है, समझ गया होगे, है ना। अब मान लो यही लाइन ऐसे रहता, ऐसे रहता, ठीक, तो ऐसे रहता तो फ्रंट व्यू में दिखता पॉइंट, टॉप व्यू में दिखता लाइन, और लाइन फिर ऐसे रोटेट करते तो कुछ ऐसा, जैसे यहाँ पॉइंट दिखा और यहाँ पे कुछ ऐसे दिखता, ऐसे दिखते तो फ्रंट व्यू, ठीक, और इधर टॉप से देखते तो लाइन दिखता, और लाइन को रोटेट करते तो ऐसा दिखता, है ना, तो ये हो गया टॉप व्यू, क्लियर। ये हो गया जब लाइन क्या रहे, परपेंडिकुलर टू वी पी, परपेंडिकुलर टू वी पी रहे तब, है ना, तब ऐसा दिखता है, क्लियर। अब मान लो ऐसे था, परपेंडिकुलर साइड से देखोगे तो लाइन ही दिखेगा, है ना, ऐसे है परपेंडिकुलर टू वी पी, साइड से देखे तो क्या दिखा, लाइन। तो मान लीजिए, समझ गए होगे, है ना, भाई इधर दिख नहीं रहा है, क्लियर। साइड से अगर बनाना भी चाहो तो क्या दिखेगा, ये है आपका फ्रंट व्यू को रोटेट करोगे तो ऐसे कर दो, है ना, ऐसे यहाँ से ऐसे, ठीक, और ये तो ऐसे, ये तो ऐसे, है ना, तो ये हो गया यहाँ पे, ठीक है ना, क्लियर। फ्रंट व्यू को रोटेट किया तो देखो लाइन ही दिख रहा है, टॉप व्यू को रोटेट करना है ना, किस एंगल पे चल रहा है, फर्स्ट एंगल पे ही तो चल रहा है, चल रही है, मिस्टेक, फर्स्ट एंगल पे चल रहा है ना, मैं थर्ड समझ लिया, ठीक। चलो ये था एक्स वाई, देखो ऐसे है तो क्या दिखा आपको, फ्रंट व्यू में पॉइंट दिखा, ठीक, टॉप व्यू में क्या दिखेगा, लाइन, और लाइन ऐसे यहाँ पे बना, और इसको जब रोटेट करोगे तो ये लाइन ऐसे दिखेगा, यानी सीधा लाइन यहाँ पे दिखा, ये हो गया टॉप व्यू, ठीक। अब देखो साइड व्यू, ऐसे है ना लाइन, कैसे, इस तरीके से, तो साइड से जब देखोगे तो इस तरीके का लाइन दिखेगा आपको, है ना, साइड से ऐसा लाइन दिखेगा, है ना, सीधा ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन दिखेगा, तो हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ, तो देखिए इसको जब इस तरीके से ऐसे, है ना, और ये ऐसे रोटेट किए तो देखो यहाँ से एक पॉइंट मिला और यहाँ एक पॉइंट मिला, तो ये क्या दिखा, एक
हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है ना। तो ये दिखा साइड में, देखो ये साइड, यहाँ से आप सीधा देखोगे साइड से तो आपको हॉरिजॉन्टल लाइन ही दिखेगा, तो देखो हॉरिजॉन्टल लाइन दिखा, क्लियर क्लियर। चलिए हो गया होगा, समझ गए, प्रोजेक्शन ऑफ लाइन, ज़्यादा लंबा नहीं खींचना है। चलिए अब देख लो दोनों, अगर ये दोनों समझ गए, ये दोनों हो गया, अब समझते हैं अगर पैरेलल रहेगा तो अब बोथ पैरेलल टू बोथ, है ना। तो देखो कैसे हो सकता है पैरेलल टू बोथ, यानी कि लाइन ऐसे रखा हुआ है, इस तरीके से रखा हुआ है, तो इस तरीके से रखा हुआ है तो जब सामने से देखोगे, तो सामने से देखोगे, देखिए नहीं फील हो रहा होगा, ऐसे रखा हुआ है इस तरीके से, है ना, ऐसे रखा हुआ है। तो जब सामने से देखो, यानी इसके भी पैरेलल, इसके भी पैरेलल लाइन ऐसे रखा हुआ है, जब इधर से देखोगे तो आपको यहाँ से ऐसा लाइन दिखा, ठीक ऐसा लाइन दिखा, जब टॉप से देखोगे तब भी लाइन दिखेगा, यानी कि ऐसा लाइन दिखा, क्लियर है ना। ये ऐसे, और इधर से भी देखोगे तो लाइन ही दिखेगा, ऊपर से भी, ये इधर प्रोजेक्ट हो गया, इधर रोटेट करो, जब रोटेट करोगे तो ऐसा ऊपर लाइन एक नीचे और इधर लाइन नीचे, है ना। तो यानी कि अगर एक्स वाई लाइन से अगर देखा जाए तो यहाँ ऐसे लाइन दिखा है, ऐसे लाइन दिखा है, क्लियर इस तरीके का। अब जब लेकिन ये मान लीजिए ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, ये आपका फ्रंट व्यू है, ये है आपका टॉप व्यू है, है ना, ऐसे क्लियर, रोटेट किए नीचे आ गया, क्लियर। अब जब इस लाइन को, इस लाइन को ऐसे है और साइड से देखोगे, यहाँ से देख रहे हैं तो क्या दिखेगा आपको, एक पॉइंट ही दिखेगा, है ना। तो देखना इसको पॉइंट ही दिखेगा, तो जब इधर से इस तरीके से आप यहाँ पे ले आए, है ना, इधर रोटेट कर दिए इधर और इधर, तो देखो एक ही पॉइंट मिला है और यहाँ पे क्या मिला आपको, पॉइंट, और कौन सा व्यू राइट में बना है तो लेफ्ट हैंड साइड में, क्लियर ठीक है। अब एक किसी एंगल पे हो सकता है, तो मान लीजिए कुछ एंगल पे रख दे, ऐसे एंगल दे दे, है ना, ऐसे दे दे, क्लियर। तो ये इस तरीके का यहाँ पे दिखेगा प्रोजेक्शन, इसका इस तरीके से यहाँ प्रोजेक्शन मिलेगा, है ना, जितना भी रोटेशन होगा एंगल अपने आप ही दिख जाएगा, है ना, टिल्ट किया हुआ है ऑब्जेक्ट तो ऐसे दिख जाएगा, रोटेट करोगे, क्योंकि देखो ये फिर आपको चाहिए चाहिए ना, ये तो यही बनेगा आपको इधर, कैलकुलेट कर लेना, सिंपल है। अरे हाइपोटेनस पता है, ठीक है, तो हाइपोटेनस पता है तो इसको जब प्रोजेक्ट करोगे और कितना हाइट दिया है तो ये नहीं निकाल लोगे, बेस निकाल लोगे ना, इतना तो मैथ आता है आप लोग को। चलिए तो ये हुआ प्रोजेक्शन ऑफ लाइन, अब बात करते हैं प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड की। तो कोई भी प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड कहने का मतलब कोई भी एक 3D ऑब्जेक्ट बना लेते हैं छोटा सा और उसको प्रोजेक्ट कर देते हैं, बाकी आपके पास बहुत सारा प्रॉब्लम है ही, ठीक है। तो देखो ये मान लीजिए प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड, स्टार्ट कर रहे हैं क्या, प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड, ठीक है, प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड। तो देखो ये कोई हम बना लिए इस तरीके का 3D ऑब्जेक्ट, ठीक, और देखो फ्रंट व्यू बोल दिए ये है और इसका कुछ डायमेंशन दे दो, 20, 10 और 40 ऐसे कुछ, है ना, यानी कि ये बेस कितना है, बेस है 20 का, ये थिकनेस 10 का और हाइट ये मान लीजिए क्या है, बेस है, ठीक, ये आपका विड्थ है और ये है आपका हाइट है, ठीक है ना। तो चलो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन से बनाते हैं, क्या दिखता है, पहले आपको क्या करना होता है, एक रेफरेंस लाइन लेना होता है, जितना ऊपर जाओगे उतना नीचे, तो पहले बनाते हैं, इधर बोल दिया है फ्रंट व्यू, है ना, एफ लिख देगा या फिर एक्स लिख देगा, तो जब फ्रंट से देखे तो ये और ये दिखा, है ना, यानी कि विड्थ और हाइट दिखा, विड्थ कितने का, चलो यहाँ से कुछ हाइट ऊपर जाओ, हाइट कहने का मतलब 10 mm के ऊपर जाए, ठीक, कितने का है, 10 का लाइन है तो 10 का लाइन ले लिए, ऊपर कितना जाना है, 40 तो ऊपर गए 40, ठीक, और यहाँ फिर से 10, यहाँ कितना 10 और नीचे ये आ गया 40, ठीक है, ये है 10, ठीक। तो ये बन गया आपका फ्रंट व्यू, यानी समझो फ्रंट से क्या दिखने वाला है आपको, फ्रंट से ये वाला दिखेगा, ठीक है, टॉप बनाओ, टॉप से क्या दिखेगा, ये वाला पोर्शन दिखेगा, तो टॉप से जब देखोगे तो ये सीन दिखेगा और टॉप में ये कितना है 10 और ये कितना है 20, है ना, ये 10 है और ये 20 है। तो देखो टॉप का टॉप में ऊपर वाला ऊपर ही रहता है, नीचे वाला नीचे ही रहता है, तो ऊपर कितने का है 10, यहाँ देखो 10, ठीक, नीचे कितना आना है, नीचे आना है 20, ठीक, और फिर से ये 10, ये 20 है और ये 10, ये बना टॉप व्यू।
अब देखो याद रखना, याद क्या रखना मतलब समझ जाना कि देखो विड्थ फ्रंट व्यू और टॉप व्यू में क्या कॉमन है, फ्रंट व्यू और टॉप व्यू में क्या कॉमन है, ये वाला लाइन कॉमन है, है ना, और ये लाइन क्या है विड्थ, है ना। तो देखो इसका भी विड्थ क्या है सेम है, है ना। अगर देखोगे साइड व्यू और टॉप व्यू में क्या कॉमन है, ये लाइन कॉमन है, तो ये लाइन कौन है आपका बेस, तो बेस बराबर होना चाहिए। चलिए अब फिर क्या करना है, जितना इधर से आए थे 10 छोड़े थे ना, तो इस पॉइंट से भी इधर 10 छोड़ो और एक और रेफरेंस लाइन लो जिसका नाम रख दो एक्स वाई, ठीक। यहाँ से एक 45 डिग्री पर लो और इधर की ओर इस तरीके से प्रोजेक्ट करिए, ठीक, यहाँ से इस तरीके से, तो देखो अपने आप ही क्रिएट हो जाएगा एक बॉक्स, ठीक। उसी बॉक्स में अब बस चेक कर लेना है और ड्रॉ कर देना है। तो देखिए चेक किए कितना 20, बेस कितना है 20, तो देखो ये ऑलरेडी यहाँ से 20 गया 20, तो ये 20, ठीक है, और ऊपर कितना 40, तो देखो ये ऑलरेडी 40 है, बस इसी को क्या कर देना है डार्क कर देना है, ठीक है ना। तो ये बन गया आपका कौन सा है लेफ्ट हैंड साइड व्यू, ठीक। तो इस तरीके से हम लोग प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड बनाते हैं, क्लियर हो गया। तो ये देखो वन शॉट में हमने पूरा ऑर्थोग्राफिक कंप्लीट कर दिया। अब क्या रह गया, इसमें रह गया आपका प्रैक्टिस, जितना ज़्यादा प्रॉब्लम प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप अच्छा परफेक्ट बन जाएंगे, क्लियर। चलिए थैंक यू। अब इसके बाद क्या होता है, वीडियो अच्छा पसंद आए तो लाइक करो सब्सक्राइब करो ऐसा, ठीक है, समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। अरे पसंद आता है तो अपने आप लाइक करता है लोग, ठीक है, चलो थैंक यू।